इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज को लेकर रामेश्वर पुलिया पर डले कंक्रीट स्लैब के बाद यहां से बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। पुलिया की ऊंचाई कम होने से बड़े वाहनों को निकलने में दिक्कतें आ रही है, वहीं इसे लेकर के शहर के अनेक हिस्सों में विरोध भी शुरू हो गया है। इस समस्या को लेकर खंडवा महापौर अमृता अमर यादव, निगम के अधिकारी और रेलवे के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और इस समस्या का हल निकालने के लिए चर्चा की। मौके पर पहुंचे रेलवे के इंजीनियरों ने महापौर को तकनीकी दिक्कतें बताई एवं इस समस्या को कैसे हल करें इस विषय पर भी चर्चा की। जानकारी के मुताबिक रामेश्वर पुलिया को थोड़ा गहरा किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व रेलवे और निगम द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग के रास्ते से यातायात को सुगम करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ महापौर जी, बताइए आज किस तरह की व्यवस्था को देखने आए हैं आप यहाँ पर तीन पुलिया ब्रिज को लेकर के? ये जो रेलवे लाइन का ब्रिज डल रहा है उसकी हाइट कम है, तो उसके संबंध में देखने आए कि क्या समस्या है और उसका क्या हल हो सकता है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी करें। अभी आपने रेलवे अधिकारियों से भी चर्चा की है, क्या बात हुई है आपके? जी, अब वो जो हाइट की दिक्कत आ रही है जहाँ एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, छोटी गाड़ियाँ ही निकल सकती हैं, तो उनके लिए बोला है कि उसकी हाइट को थोड़ा सा लेवल करके, या तो यहाँ से जो हाइट ज़्यादा हो रही है उसको कम करके थोड़ा स्पेस हो जाए तो उसमें से कि बड़े वाहन निकल सकें। इसमें नर्मदा जल पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही है, अगर 2 फीट अगर नीचे करेंगे तो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने का बार बार खतरा रहेगा, तो उसके लिए वो इसीलिए मेन समस्या उसी की वजह से आ रही है, पाइपलाइन की वजह से। तो अब वही चीज़ समझनी है वहाँ पे कि कहाँ से सुविधाजनक रास्ता रहेगा, तो वो देख के और समझ के उसको आगे उसको काम बढ़ाएंगे।